गुलाब खून दिल देके निखारेंगे ऊपर के गुलाब, हमने गुलशन की तहफ्फुज की कसम खाई है। मोहतरम सदर जलसा मेहमान खुसूसी मौजूद साथी इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारिया बहन खानम है, मैं 8वीं जमात की तलीबा हूँ। सबसे पहले आप तमाम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम तमाम यहाँ यौम आज़ादी का 78वां जश्न मना रहे हैं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 1947 से पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया हुआ था। वो हमारे मुल्क को तिजारत की फर्ज से आकर यहाँ की कीमती चीज़ें सोना चांदी मसाला जात वगैरह की तिजारत करते करते अपनी कोठियों से महलात बना लिए और करीब 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज करते रहे। उनके जुल्म सहते सहते हमारे हिंदुस्तान के अजीम लीडरों ने आवाज़ उठाई, जिनमें मौलाना अबू कलाम आज़ाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, हजरत रूहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद वगैरह बुजुर्गों ने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए लीडरों ने जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी, किसी ने रिसालों से इख्तलाफ की शुरुआत की तो किसी ने तलवारों से चिंगारी जलाई, मुख्तलिफ तरकीब और जद्दोजहद से हमें आज़ादी मिली। इस आज़ाद मुल्क में जो जी रहा है उनसे गुजारिश है कि अपने वतन की हिफाजत करें, हर तरह के भेदभाव से बचे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुख्तलिफ मजहबों को दरकिनार करते हुए एक होकर जिंदगी गुजारे। बस इतना कहकर मैं अपनी छोटी सी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटका।